गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरा ब्लॉग्स में, रूपतारा ब्लॉग्स में। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी सुबह सुबह के टाइम में बज रहे हैं 6 और हम उठे हुए थे, अभी उठे हैं। बाबू को उस द्वार पहुंचा के यहाँ पे देखिए धान वगैरह रखा हुआ है। तबीयत अभी भी खराब है, लेकिन काम धंधा तो करना पड़ता है ना बाबू, क्या करिएगा। बहुत ज़्यादा कहते हैं यहाँ देखिए सब बर्तन रख वगैरह, रात में हम नहीं धोए थे क्योंकि मेरा तबीयत, जानते हैं आप लोग कि मेरा बाबू के मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। बुखार बुखार हो रहा है दोनों माँ बेटा के। बाबू तो फिलहाल में ठीक है, बाबू को सर्दी है और बुखार तो सुई लगा के आए हैं तब से ठीक ही ठाक है, लेकिन मेरा बुखार ही नहीं जा रहा है। मेरा दूध नहीं पी रहे थे ना, इसी के वजह से मेरा तबीयत अभी तक खराब है। कुछ भी काम करते हैं थक लगता है, जैसे कितना ना काम किए हैं एकदम थकान महसूस करते हैं, बोलने का भी इच्छा नहीं करता है, दम फूलने लगता है बोलते हैं तो। एक दो दिन के बुखार में लगता है पूरा शरीर तोड़ दिया है, शक्ति नहीं मिलता है, लगता है कि देह में कुछ नहीं है, चलने का भी इच्छा नहीं करता है। लेकिन काम धंधा भी तो करना चाहिए दीदी, अकेला कितना करेंगी, उनका भी तो बाबू है ना, उनका भी बाबू है, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। जाते हैं हम झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू लगा के उसके बाद बर्तन वगैरह मांगेंगे। बहुत ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। देख सकते हैं चादर ओढ़े हुए, हंसने का भी मन नहीं करता है। उधर मेरे बाबू का भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मतलब आदर्श के पापा के बहुत ज़्यादा, उनका भी तबीयत खराब है। वो भी हो सकता है तो घर आ जाएंगे, बोले तो घर आ जाइए, तबीयत खराब है फिर ठीक हो जाएगा, उसके बाद जाइएगा। जैया से गए, उनका भी तबीयत खराब है, उसका 2-4 दिन के बाद बाबू के तबीयत खराब हुआ है, मेरा भी कल से परसों से बहुत ज़्यादा हालत खराब है, बोलने का भी इच्छा नहीं करता है, लगता है शरीर में शक्ति दम एकदम नहीं मिलता है। और यहाँ देखिए अब हम बाहरेंगे, बाहर के उसके बाद लीपेंगे, बर्तन मांजना है, बर्तन मांजेंगे, उसके बाद खाना वगैरह क्या बनता है देखते हैं। मेरा आदर्श आप लोगों के दुआ से बहुत अच्छे हैं, भगवान से हम यही कहते हैं भगवान है दुर्गा महारानी, हमको कुछ हो जाए लेकिन मेरा बच्चा और मेरा पति को कुछ नहीं हो, बस वो लोग सही सलामत रहेंगे तो हम तो ठीक हो ही जाएंगे ना। तो चलिए हम पहले काम वगैरह करते हैं, देखिए इसको लिपते हैं, बर्तन मांजते हैं, उसका आगे दिखाते हैं आप लोगों को। और यहाँ पे हम नहा धोवा के हो गए फिनिश, पूजा पाठ भी कर लिए, सोचे गोड़ हाथ क्या धोएंगे डायरेक्ट नहा लेते हैं। आदर्श का दवाई भी खिला दिए। 10 कैसे हैं? 10 हो 10 बेटा, तूपा लग रहा है ना इसलिए से हैं। मेरा बेटा रात भर रोए हैं कल, मेरा बेटा आज खुश है, हम भी खुश हैं, मेरा सब दुख भग गया मेरा बेटा को देख के। दसो दस बेटा, अरे बाप रे ये हंसी तो हम खोज रहे थे, कहाँ दून हेरा गया था मेरा बेटा के हंसी। अरे मेरा बेटा खुश है, 10 हो, 10 हो, बापू बाप का नन्ना तू। आज मेरा आदर्श बहुत खुश है क्योंकि तबीयत इनका थोड़ा बहुत अच्छे हैं, और दवाई अभी खिलाएं और अच्छे हो जाएंगे। इधर मेरा रणबीर से मिलिए, रानो हाय कर दो, हाय करो, हाय करो ना बेटा, हाय कर दो। पानी पीने में बहुत ज़्यादा बिजी है, मेरा घर भी पूरे हो गया है। इधर मम्मी है, इधर मम्मी चाय पी रहे हैं, चाय बिस्किट हम तो खा दिए। क्या बेटा रो रहे, राजा तनी पकड़िए बाबू को चाय पी ले। आजा आजा, इसका पापा कहाँ गया है?
विकास भैया दिल्ली दिल्ली चले गया। हाँ ठीक है, दिल्ली से आ रहे हैं, दो चार दिन में आ रहे हैं विकास भैया अभी। तो आने के बाद जो होगा बात विचार आगे होगा, ऐसे ही बनाए रखे प्यार आशीर्वाद। चलिए तुम चाय पीते उधर, मम्मी चाय पीते एक चप्पल क्या हुआ, चप्पल पहनो, चप्पल पहनो, पापा मारेंगे, चप्पल पहनो, ले चप्पल, ले चप्पल पहन था। और चलिए हम चाय बिस्कुट खाते हैं, चाय बिस्कुट खा लेते हैं, मम्मी धान उसा रही है तो आप लोग दिखाते हैं, घर चलते हैं तो पहले हम चाय पी लेते हैं उसके बाद। यहाँ पे देखिए मम्मी अभी धान उसन रही है, बोले ना धान उसन रही है। यहाँ पे देखिए चूल्हा पे बैठाई है मम्मी, इसमें डाल रही है, देखिए उसना चावल ऐसे ही बनता है ना मम्मी। इधर से आग लग रहा है, उधर से भाप निकल रहा है, देख रहे हैं उसना गया है वो। और इधर मम्मी अभी उसन रही है, इधर हम इसको लेके ठहरे हैं क्योंकि सूतने के लिए परेशान कर रहा है। इधर दीदी खाना बना रही है, क्या बना रही है दीदी? आलू का दम भात खाएगा, आलू दम भात खाए। इधर दीदी बना रही है खाना, इधर मम्मी धान उसन रही है, हम जा रहे हैं इसको सुताने क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। नहीं हो सुते कहो, हाँ कहता है सुतेंगे तो हम इसको सुला देते हैं। चलिए सुलाते हैं उसके बाद देखते हैं आगे क्या आता है। के यहाँ पे हम लीप लाप के पूरे कर दिए रेडी, बर्तन भी मांझ लिए, और थोड़ा सा अंगना हम बोर देते हैं, घर वगैरह भी बोलिए क्योंकि घर में अंधेरा था ना, लाइट नहीं था इसलिए नहीं देखे। और ये अंगना को हम थोड़ा सा बाहर लेते हैं क्योंकि बाहर थे दीदी, और क्या हुआ कि आधा छुट्टी छोड़ दिए, वही हम बाहर रहे हैं, आधा छोड़ दिए थे ना, मतलब घर वगैरह नहीं बाहर थे, कल बाहर के चले गए थे। तो हम क्या करते हैं घर सब बोरे तो वही सब बोर देते हैं, बहुत ज़्यादा हालत खराब है दोस्तों। तो एक दिन नहीं नहाए हैं तो लगता है कितना दिन हो गया नहाया हुआ। और बाबू की तबीयत भी खराब है, सब डांट रहा है कि नहीं नहाना है, तुमको कुछ होगा, फिर बाबू को दूध पीता है, बाबू का भी तबीयत खराब हो जाएगा। और मैं तो रोज सुबह में उठ के नहा बड़का धंधा करके नहा के धोवा के पूजा पाठ करके उसके बाद हम खाना वगैरह खाते थे। लगता है दुर्गा जी का, दुर्गा माँ को अच्छा नहीं लगा इसीलिए मेरा भी तबीयत खराब कर दिया हो गया, मेरा बेटा का भी तबीयत खराब हो गया। और कोई नहीं, हम दुर्गा जी से यही कहेंगे, हे दुर्गा माँ मेरा बेटा को सही सलामत, मेरा पति को सही सलामत रखिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए, आपके दुआ से सब कुछ है मेरे पास। इधर हम घर वगैरह भी मच्छरदानी सब उठा दिए, सब झाड़ झूड़ के कर दिए रेडी, और चलते हैं हम थोड़ा सा गोड़ हाथ धो के कपड़ा बदलेंगे क्योंकि बाबू सुसु कर दिए हैं ना, इसीलिए महकता है। तो हम जाते हैं पहले थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, और उधर चाय पीने के लिए मम्मी बुला रही है, दवाई खाना है, तो हम रूम पे जाते हैं, तो मिलते हैं आप लोग से। यहाँ पे देखिए मेरा है आदर्श, और दीदी अभी यहाँ पे कर रही है लिपाई पोछाई किचन का। देखिए यहाँ पे दीदी लिप रही है, कहाँ बैठी है देखिए, डर से बैठ नहीं रही थी, कह रही थी गिर जाएंगे, देखिए कहाँ गिर रहा है, टूट जाएगा, ठीक है इसका, बहुत दिन का है। और दीदी इधर लिपाई पोछाई कर रही है, और धान भी उसना गया, देखे जैसे आप लोग की पप्पा मेरा उझल रहे थे तो आप लोग को हम दिखाएं। इधर देखिए धान अभी सब परले है, मतलब छत पर पापा ले ले जाके रख रहे हैं, जैसे ही हम खाने बैठे तैसे ही जग गया, खाना साना भी फेंक फाक दिए। कहे जग जाता है तू रे, अरे
गबरू रे गोसा गया रे आली बाप, अरे भाई गोसा जाता है इसको, बहुत जल्दी खीस उड़ता है। क्यों तुम तो अभी हम जाते हैं इसको खिलाने, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग के वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय बाय।